सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सहिला कस्बे के मांझखोर मोहाल में 23 वर्षीय युवक को टिल्लू लगाते समय करंट लग गया। पड़ोसी सीएससी लाए जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। कस्बे के मांझखोर मोहाल निवासी जगदीश पुत्र पर्वत सिंह अपने घर में सुबह नल का पानी भरने के लिए टिल्लू जोड़ रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। पास में बैठे बूढ़े दादा ने पड़ोसियों को आवाज लगाई। मौके पर पहुंचे पड़ोसी आन फान में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जगदीश के पिता ने 2 वर्ष पहले जहरीला पदार्थ खा लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। जगदीश की मां व एक बहन ज्योति 19 वर्ष, एक छोटा भाई विकास 17 वर्ष है। जगदीश ने इंटर तक पढ़ाई की थी और सब्जी व पानी पूरी की दुकान से परिवार का भरण पोषण करता था। अभी तक अपनी बहन ज्योति की शादी भी उसको करनी थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। थाना अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है, शव उनको सुपुर्द कर दिया गया है। सरीला में सुबह 9:20 पे एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष बताई जा रही है। यहाँ पर परीक्षा के उपरांत उसे मृत घोषित किया गया है। लोगों ने बताया कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई। क्या नाम है? नाम वहाँ जगदीश का पड़ोसी, जगदीश की करंट लगने से मौत हो गई, ठीक है। और जगदीश जब टिल्लू जोड़ रहा था उसको अचानक करंट लग गया। घर में कोई नहीं था, उसकी माँ भी नहीं थी, बहन नहीं थी, भाई नहीं था, कोई नहीं था, बब्बा था। उसने हमें आवाज़ दी, हम दौड़ के जल्दी गए, उसको मतलब खींचा और तुरंत अस्पताल लाए, वहाँ उसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।